वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे अपने बीएससी सेकंड ईयर के डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट के ऊपर। आज हम आगे बढ़ेंगे और इसमें अपना जो नेक्स्ट पार्ट है उसी का उसकी बात करेंगे, जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि आंशिक अवकल समीकरण। आंशिक अवकल समीकरण, इसमें अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट देखेंगे, जिसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, यानी कि प्रथम घात और प्रथम कोटि के अवकल समीकरण, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये होंगे कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पार्शियल होंगे। देखो, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने पढ़ा था उसमें तो क्या थी, सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी। उन डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने ये देखा था कि इसकी कोटि कितनी है और इसकी घात कितनी है, यानी कि उसका ऑर्डर और उसकी डिग्री कितनी है, ये चीज़ें हमने देखी थी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। अब जो अपना सेशन चल रहा है वो चल रहा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्या बताना है, अब उसकी कोटि और डिग्री। देखो, कोटि और जो घात है वो दोनों में सेम होती है, दोनों की डेफिनेशन सेम होती है, उन दोनों में कोई चेंजमेंट नहीं होता, लेकिन इसकी डेफिनेशन में चेंज होता है। ठीक है, जो आंशिक अवकल समीकरण है उसकी परिभाषा होती है कि कोई जो भी आपको समीकरण दी हुई है, ठीक है, कोई भी आपको समीकरण दी हुई है उसमें दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्वतंत्र चर के आंशिक अवकल गुणांक यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद्यमान हो तो समीकरण पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि आंशिक अवकल समीकरण की ये क्या होती है, डेफिनेशन होती है, उसकी परिभाषा होती है। ये परिभाषा कहे क्या रही है, इसने ये कहा है कि दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको जेड बराबर एक्स वाई का कोई फलन दिया हुआ है, यहां ये एक्स वाई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इनका अवकलन गुणांक अगर विद्यमान है, मींस इसका अवकलन, जैसे मान लो एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर कुछ भी मान लो, जैसे एन जेड मान लो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप एन जेड। ये क्या है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या है, इसका पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशियंट है। ठीक है, और ये डेल जेड अपॉन डेल जेड भी क्या है, ये डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल। डेल किसको रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखना डेल हमेशा पार्शियल डिफरेंशियट को रिप्रेजेंट करता है, डी करता है सिर्फ डेरिवेटिव को यानी कि ओनली डिफरेंशियल को, और डेल रिप्रेजेंट करता है पार्शियल डिफरेंशिएशन को। इस चीज का ध्यान रखें, अगर डी लिखा हुआ मिल रहा है डी अपॉन डी एक्स, इसका मतलब तो ये सिर्फ डिफरेंशियल है। ठीक है, और अगर आपको डेल अपॉन डेल एक्स दिख रहा है इसका मतलब ये पार्शियल डिफरेंशियल है। ठीक है, तो पार्शियल और इसमें फर्क क्या होता है, इसको तो लिखा जाता है डी से और इसको लिखा जाता है डेल से, ये दोनों में डिफरेंस होता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी कि भाई साहब आपके पास दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर यानी कि दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो डिफरेंशियल कोफिशियंट है, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशियंट है, वो अगर विद्यमान है समीकरण में, तो दिख रहा है इसमें आपको दो कोफिशियंट दिख रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है हमें, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है वो तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा है अपना जो टॉपिक है उसका। टॉपिक क्या है अपना,
टॉपिक है फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर। तो हम फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर की ही बात करेंगे इसमें। पहले हम तो ये देखते हैं कि कुछ इक्वेशंस लेते हैं, उसमें डिग्री और ऑर्डर को एक बार दोबारा क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें कोई डाउट ना रहे। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ कि कंप्लीट अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन के पेपर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे हैं, जिसकी कंप्लीट क्लासें आपको अपने आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर एकदम सही तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड करें ऐप को और स्टोर के ऑप्शन पर जाकर उसको ज्वाइन करें। ठीक है, ₹121 कंप्लीट कोर्स का आपका चार्ज है। BSc सेकेंड ईयर PCM का जो कंप्लीट कोर्स है, ठीक है, कंप्लीट कोर्स है जिसका चार्ज कितना है, ₹121। बिल्कुल ₹121 में आपको संपूर्ण BSc सेकेंड ईयर का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का सिलेबस करवाया जा रहा है। ठीक है, जिसमें पार्शियल जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बुक है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, ये वाली वहाँ चल रही है। ठीक है, और यूट्यूब पर भी चल रही है अपने। ठीक है, और साथ में केमिस्ट्री के भी पेपर्स वहाँ चल रहे हैं, फिजिक्स के भी तीनों पेपर वहाँ चल रहे हैं। तो कहने का मतलब है ₹121 मात्र। ठीक है, इसमें आप कंप्लीट 9 के 9 पेपर ले सकते हो। ठीक है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप राजस्थान की किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप कोटा यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप जोधपुर से हो, चाहे आप बीकानेर से हो, चाहे आप भरतपुर से हो, चाहे आप उदयपुर से हो, चाहे आप राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से हो, चाहे आप पंडित दीनदयाल शेखावाटी उपाध्याय यूनिवर्सिटी सीकर से हो। ठीक है, कहने का मतलब आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, स्टोर के ऑप्शन पे जाए, वहाँ अपनी यूनिवर्सिटी का कोर्स में कोर्सेज दिखेंगे आपको, वहाँ उन कोर्सेज पे आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देखो, ठीक है, अपनी क्लास देखो, और उसके बाद ₹121 पे करके ज्वाइन करो। अब तक जितनी भी क्लासें हुई है वो सारी की सारी वहाँ पर आपको मिलेगी, और एग्ज़ाम ख़त्म होने तक वो क्लासें आपके पास रहेगी, उनको डाउनलोड कर सकते हो, चाहे जितनी बार उनको देख सकते हो आप। ठीक है, मतलब जितनी मर्जी हो उतनी बार आप उनका रिवाइज कर सकते हो, रिविज़न कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो सेपरेट कंप्लीट रेगुलर क्लासें आपको अपने आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर मिल जाएगी। तो लेते हैं क्वेश्चन अब एक। ठीक है, क्वेश्चन देखना, मान लो जो पहले अपन ने क्वेश्चन लिखा था, क्वेश्चन जस्ट अभी लिखा था, एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर एन जेड। इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है, इसमें ये बताओ इस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और इसका क्या बताना है, डिग्री बतानी है, ऑर्डर और डिग्री बतानी है, यानी कि घात और कोटि बतानी है। ऑर्डर का मतलब तो होता है कोटि, और डिग्री का मतलब होता है घात। ठीक है, अब ऑर्डर का मतलब यह होता है कि इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आप ये देखो मैक्सिमम कितनी टाइम्स तक इसका अवकलन हुआ है, इसका डिफरेंशिएट हुआ है। ठीक है, यही पढ़ा था अपन ने ऑर्डर, जो अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट की थी उसमें फर्स्ट चीज हमने क्या पढ़ी थी ऑर्डर के बारे में, कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है उसमें ये देखो मैक्सिमम कितनी बार इसका अवकलन हुआ है, कितनी बार इसका डिफरेंशिएशन हुआ है, जितनी बार मैक्सिमम उसका डिफरेंशिएशन हुआ है वही क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा। और जिस टर्म का सबसे ज़्यादा बार अवकलन हुआ है उसकी घात देखनी है, मतलब उसके ऊपर पावर कितनी है वो देखनी है, वो पावर ही क्या होगी, आपकी घात होगी, यानी कि डिग्री होगी। इस इक्वेशन में देखो मैक्सिमम अवकलन कितनी बार हुआ है, किसी भी टर्म देखो, इसमें ये डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, तो इसमें देखो कोई भी टर्म ले लो, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, एक ही बार हुआ है, मीन्स इसका ऑर्डर कितना होगा, एक होगा। ठीक है, घात भी एक ही है सबके ऊपर, देख लो इस पे भी एक ही है, इस पे भी एक ही है, मींस इसकी डिग्री भी कितनी है, एक है। अब मान लो ये इस प्रकार से हो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है, अब बताओ भाई साहब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा। ठीक है, ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर देखो इसमें मैंने क्या बताया था, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसमें ये देखो कौन सी ऐसी टर्म है जिसका सबसे ज्यादा बार अवकलन हुआ है, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसमें ये वाली टर्म है जिसका 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, इसका 1 बार हुआ है, इसका 2 बार हुआ है, मीन्स इसका ऑर्डर कितना है, 2 है। यानी कि डिग्री की बात करें तो डिग्री का देखो, ठीक है, अब कई स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि डिग्री सबसे ज्यादा घात किसकी है, सबसे ज्यादा घात इसकी है, तो क्या लगा देते हैं, डिग्री 2, ये क्या है, गलत है।
ठीक है, क्यों? आपको उसी टर्म का देखना है जिसका सबसे ज्यादा बार अवकलन हुआ है, सबसे ज्यादा बार इसका अवकलन हुआ है, तो इसी की आपको घात चेक करनी है। इसके ऊपर कितनी घात है? एक है, तो इसकी घात यानी कि इसकी डिग्री कितनी होगी साहब? एक ही होगी। बोलो ये बात कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 4, इसका बताओ ऑर्डर। तो ऑर्डर तो दिख रहा है, एक ही बार अवकलन हुआ है, इसमें कोई भी टर्म ले लो, ये ले लो, ये ले लो, एक ही बार हुआ है, ठीक है, तो ऑर्डर कितना हो गया? एक हो गया। ठीक है, इसकी डिग्री देखो कितनी है, डिग्री इसकी 2 है। देखो अब एक चीज और नोटिस करना, मान लो यहां एक पावर हो या हो ही ना, तो डिग्री क्या बताओगे? तब पहले तो कह देंगे कि सर अब किसकी देखें, ठीक है, ये दोनों तो सेम है, इसका तो एक एक बार ही अवकलन हुआ है, तो हम किसकी देखें? तब ध्यान रखना, अगर सब में ये सेम आ रहा है तो मैक्सिमम पावर की तरफ जाना है, मैक्सिमम पावर तो इसकी ज्यादा है ना, तो ये 2 हो गई। ठीक है, अगर यहां डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर होता तब तो पावर इसकी कितनी होती? एक होती, ऑर्डर कितना होता? 2 होता, तब वो नहीं लेते। ये दोनों का एक एक बार हुआ है अवकलन, तब मैक्सिमम पावर के लिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चेक की जाती है डी ऑर्डर, यानी कि उसकी कोटि। सबसे पहले क्या चेक होता है? उसका कोटि चेक होती है। आगे चलते हैं, देखना। डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, इसका बताओ। तो 2 बार हुआ है, 2 ही बार हुआ है, ठीक है, अवकलन मैक्सिमम अवकलन कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है, ठीक है, तो ऑर्डर तो कितना हो गया? 2, घात कितनी है? एक है। अगला क्वेश्चन देखो, मान लो डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल क्यूब जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल एक्स का होल स्क्वायर बराबर 6x2। ये आपको एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इसका ऑर्डर और इसकी डिग्री बताओ। ठीक है, तो ऑर्डर का मतलब इसका मैक्स, ये टर्म ढूंढो जिसमें मैक्सिमम बार अवकलन हुआ है, तो आपको यहां से पता चल रहा है, यहां से पता चल रहा है, इस टर्म का भी 3 बार हुआ है, इस टर्म का भी 3 बार हुआ है, इसका एक ही बार हुआ है, तो मैक्सिमम कितनी टाइम्स तक अवकलन हो रहा है दोस्तों? 3 बार हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा सर? 3 हो जाएगा। डिग्री चेक करो, यानी कि इसकी घात चेक करो, तो घात इसकी चेक करेंगे कि इसकी चेक करेंगे? इसी की चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पावर तो इसी के ऊपर है, ये दोनों तो सेम है लेकिन मैक्सिमम उसके ऊपर है, मींस इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी सर? 2 हो जाएगी। तो आई थिंक ऑर्डर और डिग्री का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसमें जो कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है, जो अचर चीज है, उसको रिमूव करके जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करते हैं उसके बारे में। अगला टॉपिक लेते हैं अब। अगला टॉपिक है, अब देखना, मान लो आपको फाइ एक्स वाई जेड ए बी बराबर 0, ये कोई आपको इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, ये कोई इक्वेशन दी हुई है, इससे आपको एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करनी है। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशियल जो भी इक्वेशन दी हुई है उससे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करने के लिए ध्यान रखना, उसमें जो कॉन्स्टेंट की टर्म है उसको रिमूव किया जाता है। इसको क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। क्या करेंगे? रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, कैसे अवकलन करेंगे? इसका आंशिक अवकलन करेंगे, मींस इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन करना सीख लो सबसे पहले, ठीक है, मुझे पता है फर्स्ट ईयर से आप सेकंड ईयर में आए हो, कैसे आए हो ये भी पता है, प्रमोट होके आए हो, तो पढ़ाई लिखाई से तो दूर दूर तक कोई लेना देना था नहीं। ठीक है, तो ये पार्शियल डिफरेंशियल, कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि ये पार्शियल डिफरेंशियल चीज़ क्या है, हमने तो सुनी पहली बार है, पहली बार ही आई है। अरे पहली बार नहीं आई है ये, फर्स्ट ईयर में था, ये पूरा का पूरा चैप्टर था इसके ऊपर। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल पढ़ी हो तो
लेकिन ये नहीं पता पार्शियल डिफरेंशिएशन किया कैसे जाता है। तो ये किया कैसे जाता है, उस किया को जानने के लिए आपको क्या करना है, आई स्टडी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स नाम से प्लेलिस्ट है एक, उसमें चैप्टर पढ़ाया हुआ है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन इसके शुरू के दो या एक दो तीन लेक्चर आप जरूर देखें। ठीक है, आपको क्या करना है, शुरू के एक दो तीन लेक्चर इसके जरूर देखने हैं। ठीक है, ये तीन लेक्चर आप देखोगे तो आपके ये पूरी की पूरी पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज ये ऊपर से जाएगा। ठीक है, आपको यही नहीं पता चलेगा कि ये अवकलन कैसे कर दिया, क्योंकि आप डिटेल में ये चीज़ें यहाँ नहीं बताई जा सकती, लेकिन फिर भी मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्ट में डिफरेंशिएशन जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो कैसे निकाला जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल देखना, मान लो आपको जेड बराबर यू एक्स वाई दिया हुआ है, जेड बराबर आपको क्या दिया हुआ है, यू एक्स वाई दिया हुआ है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब ये कहे कि साहब इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको करना है। ठीक है, इसका क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो ध्यान रखना, डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर सबसे पहले इस यू का होगा इस एक्स के रिस्पेक्ट में, सबसे पहले किसका होगा, इस यू का होगा इस एक्स के रिस्पेक्ट में जो अंदर आपको दिया हुआ है, मीन्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, फिर इस एक्स का होगा दोबारा इस एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, एक हो गया, तो डेल जेड अपॉन, फिर आगे देखो अभी, फिर प्लस, अब इस यू का होगा इस वाई के रिस्पेक्ट में डेल यू अपॉन डेल वाई, और इस वाई का होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या होता है, चेन रूल चलता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी आप किसी फंक्शन का कर रहे हो तो पहले इन अंदर वालों के साथ में होगा, फिर जिसके साथ कर रहे हो उसके साथ में होगा। क्लियर, वही नियम हम वहां काम में लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इसका आंशिक अवकलन आपको करना है। तो चलते हैं, तो देखना, सबसे पहले क्या करोगे, इसका आंशिक अवकलन करोगे, तो इसका आंशिक अवकलन आएगा फाई का फाई डेस अंदर एक्स वाई जेड। ठीक है, इसका या फिर डायरेक्ट लिखो आप डेल फाई अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। फिर इस एक्स का होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, फिर प्लस, ठीक है, फिर क्या आएगा, प्लस, अब ये वाई वाली टर्म भी है। ठीक है, अब क्या है, ये वाई वाली टर्म भी है तो इसका भी होगा। ठीक है, तो देखना इसका क्या करोगे, फिर होगा डेल फाई अपॉन डेल वाई। ठीक है, डेल फाई अपॉन डेल वाई और डेल वाई अपॉन डेल एक्स, फिर प्लस, अब इस जेड का होगा तो डेल फाई अपॉन डेल जेड और डेल जेड अपॉन डेल एक्स। एक चीज इसमें बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। एक चीज इसमें ध्यान रखना, ध्यान में क्या रखना है उसको सुन लो, और ये दोनों का तो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है इसलिए जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक चीज आप ध्यान से सुनो इसमें, जब भी आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, जब भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, तीन फंक्शन आपके सामने रहेंगे इसमें एक्स वाई जेड। ठीक है, इस एक्स वाई को तो आपको मानना है इनडिपेंडेंट, ठीक है, और ये जेड रहेगा डिपेंडेंट, जो किस पे डिपेंड करेगा, एक्स और वाई पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये जेड किस पे डिपेंड करेगा, एक्स और वाई पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये चीज आपको इसमें ध्यान रखना है, ये एक अलग से वेरिएबल नहीं है, ये एक्स वाई तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमें लेकर चलने हैं, और जेड को क्या करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल लेकर चलना है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये इसका मतलब क्या हुआ, डिपेंडेंट मतलब ये तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, ये तो स्वतंत्र है, ये तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये जेड इंडिपेंडेंट नहीं है, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, या ये कह सकते हो कि ये किसी भी कंडीशन में कॉन्स्टेंट नहीं रहता। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें डिटेल में जानने के लिए वो चैप्टर लेक्चर जरूर आप देखना। ठीक है, अब इसमें ये देखो, एक चीज और मैं बता देता हूं आप सभी स्टूडेंट को, ये क्या है, डिपेंडेंट है।
क्लियर। ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब इनकी कहानी सुनो ध्यान से, ठीक है। जब भी आप इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स को छोड़कर सारे कॉन्स्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। एक्स को छोड़कर क्या माने जाते हैं, सारे के सारे कॉन्स्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं रहता, मीन्स इसमें जेड कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, किसी भी सूरत में ये जेड कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो कंसेप्ट होता है, देखो मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर आप वहां से देखें, लेकिन मैं छोटी छोटी बातें आपको बता देता हूं कि जब कभी भी आपको डिफरेंशिएशन करना है इसका एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के अलावा जितनी भी वेरिएबल है वो सारे के सारे क्या माने जाएंगे, कॉन्स्टेंट माने जाएंगे। लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल जेड है उसको कॉन्स्टेंट नहीं मानना है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको है, इसका आपको एक्स सॉरी एफ बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है आपके पास, इसको आपको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर होगा 2x, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर होगा 2y। यानी कि जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y कांस्टेंट रहेगा, जब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x कांस्टेंट रहेगा। यही कंडीशन यहां चलती है, जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y कांस्टेंट रहेगा, जब y का करोगे तो x कांस्टेंट रहेगा, लेकिन z कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो चलते हैं भाई साहब, हमने क्या किया, पहले इसका पूरे का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया। एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया तो भाई साहब डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। क्यों, क्योंकि वाई तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये इसको जीरो करके पूरा क्या बन जाएगा, जीरो। और इस डेल एक्स अपॉन डेल एक्स का मान क्या हो जाएगा, वन। यानी कि ये बनेगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड और डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर जीरो, ठीक है। मीन्स इस टर्म का जो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन आएगा वो ये आएगा। ये बात समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट को, ठीक है। अब मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं कि ये रूल किस प्रकार लगा है, तो एक बार दोबारा देखना। ये अगर एफ एक्स वाई जेड ए बी बराबर जीरो है, इसका आपको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे का एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। तो सबसे पहले ध्यान रखना अंदर वाले, देखो अंदर क्या है, बारी बारी से उनके साथ में करना है, ठीक है। सबसे पहले इस f का करो x के रिस्पेक्ट में, फिर इस x का करना है जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x के। पहले देखो इस x को भूल जाओ, आप एक x के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा इसके साथ, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, इसका सबसे पहले इसके साथ में, फिर इसका होगा जिसके साथ में आप कर रहे हो, ठीक है। किसके साथ में आप कर रहे हो, एक्स के साथ में कर रहे हो, तो इसका एक्स के साथ में होगा, फिर प्लस आएगा, फिर इसका होगा इस आगे वाले के साथ में, ठीक है। फिर इसका होगा जिसके साथ में आप कर रहे हो, किसके साथ में कर रहे हो, एक्स के साथ में, फिर प्लस, फिर इस एफ का होगा इसके साथ में, फिर इसका होगा जिसके साथ में आप कर रहे हो, ठीक है। ये तो कॉन्स्टेंट है तो जीरो हो जाएंगे, बराबर में जीरो। फिर मैंने आपको क्या बताया, जब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो वाई को कॉन्स्टेंट मानना है, और वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स को कॉन्स्टेंट मानना है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका मैंने किया, मतलब वाई कॉन्स्टेंट है तो वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, जीरो। इस प्रकार से ये निकलेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई होगी, आई थिंक ये चीज। अब जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिमिलरली इसका करो आप वाई के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में करूंगा तो डेल फाई अपॉन, सबसे पहले इस फाई का एक्स के रिस्पेक्ट में होगा तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स, फिर इस एक्स का किसके रिस्पेक्ट में होगा, वाई के रिस्पेक्ट में, तो डेल एक्स अपॉन डेल वाई, फिर प्लस। अब इस फाई का होगा वाई के रिस्पेक्ट में तो डेल फाई अपॉन डेल वाई, फिर इस वाई का होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस। क्लियर सभी स्टूडेंट को, आगे बढ़ते हैं। अब इस जेड का होगा, अब फाई का होगा जेड के रिस्पेक्ट में डेल फाई अपॉन डेल जेड, फिर इस जेड का होगा एक्स के रिस्पेक्ट में सॉरी वाई के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो वाई बराबर जीरो। ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी भाई साहब, जीरो।
क्योंकि y के साथ कर रहे हैं तो x क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो ये टर्म जीरो हो गई, इसका एक हो गया, तो यहां से हमें टर्म क्या मिल गई, वन मिल गई, ये वाली मिल गई। हम क्या करेंगे, इस समीकरण को और इस समीकरण को यूज में लेकर a और b का विलोपन कर देंगे, मतलब उसको एलिमिनेट कर देंगे। इतना टाइम इसको क्यों दिया, ताकि आपको अवकलन करना आ जाए, आपको डिफरेंशिएशन करना है। आई थिंक आपको इस पार्ट के लिए तो, मतलब जो आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट है उसके लिए तो यही कंसेप्ट रहेगा, ठीक है। और ध्यान रखना दोस्तों, इस एक्सरसाइज फर्स्ट से, इस कंसेप्ट से 90% क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई होगी, अगर डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे जो अपना आई स्टडी ऑनलाइन है उसको सर्च करके वहां पे आप कोई भी डाउट इस पार्शियल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड पूछ सकते हो। बाकी जब आप इसका जो क्लासे मैंने आपको बताई है फर्स्ट ईयर वाली, वो क्लासे आप एक बार यूट्यूब पे लेकर देखो, तो आपको ये कि साथ जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। बाकी मेरे हिसाब से पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यहीं पे आपके क्लियर हो चुका है, अब कोई डाउट वहां से नहीं रहना चाहिए। अब हम कुछ नोटेशन की बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि कुछ नोटेशन काम में लिए जाते हैं, उन नोटेशन की बात करते हैं। तो ध्यान रखना, जो डेल जेड अपॉन डेल एक्स है उसको लिखा जाता है पी, ठीक है। डेल जेड अपॉन डेल एक्स को पी से लिखा जाता है, डेल जेड अपॉन डेल वाई को क्यू से लिखा जाता है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को आर से लिखा जाता है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई को एस से लिखा जाता है, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर को टी से लिखा जाता है, ठीक है। यहां पर आओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इधर आओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं डेल अपॉन डेल एक्स एंड डेल जेड अपॉन डेल एक्स, एक ही है इसका मतलब, ठीक है। इसका मान क्या है, p है, तो इसकी जगह मैं p लिख सकता हूं, मींस डेल p अपॉन डेल x बराबर भी क्या होता है, r होता है, ये भी लिखा जा सकता है। सिमिलरली यहां आओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं डेल z अपॉन डेल y एंड डेल अपॉन डेल y, इसका मान क्या है, q है, तो इसकी जगह मैं q लिख सकता हूं, मतलब डेल q अपॉन डेल y बराबर क्या होता है दोस्तों, t होता है, ठीक है। तो ये नोटेशन आपको ध्यान में रखने हैं, समीकरण आपको लास्ट में इसी फॉर्म में निकालनी है, ठीक है। अब कई स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर ये ध्यान में कैसे रखेंगे, तो मैं इसको ध्यान में रखने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, जिससे आपको ये याद हो जाएगी कि किस प्रकार मेरे ये अब तक ध्यान में है। तो देखना, सबसे पहले इस पी क्यू आर एस टी को सिक्वेंस में लिख दो, ठीक है, पी क्यू आर एस टी, ये सिक्वेंस में लिख दिए, क्लियर सभी स्टूडेंट को। ऊपर ले लो जेड, ठीक है, जेड, और ये जेड जो हमेशा किस पे डिपेंड करता है साहब, एक्स वाई पे करता है, ये चीज मैंने अभी बताई ना, इस वाले पार्शियल डिफरेंशिएशन में जो जेड है वो हमेशा और हमेशा एक्स वाई के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब जेड क्या है, यहां डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। तो इस सबसे पहले पी की बात, नंबर एक पे कौन है, पी, और सबसे पहले नंबर एक, नंबर दो, ठीक है, नंबर दो पे कौन है, वाई, P आ रहा है नंबर एक पे, तो सबसे पहले नंबर एक के साथ इसका अवकलन कर दो, Q नंबर दो पे आ रहा है तो इसका नंबर दो के साथ में अवकलन कर दो, ठीक है। R आ रहा है मतलब दोबारा इस नंबर एक का अवकलन कर दो, ठीक है, फिर S आ रहा है तो इसका Y के साथ करो, ठीक है, फिर लास्ट बच गया इसका कर दो नंबर दो का, बस यही कंसेप्ट है, यही कहानी है। सबसे पहले क्या करना है, नंबर एक का एक के साथ अवकलन, नंबर दो का नंबर दो के साथ अवकलन, नंबर तीन का वापस रिपीट करो प्रोसेस को, ठीक है, फिर वापस अब कौन आएगा, एक्स, देखो ध्यान से सुनो, पहले क्या किया एक्स के साथ में अवकलन, फिर क्या किया वाई के साथ में अवकलन, फिर वापस एक्स के साथ में अवकलन, फिर वापस वाई के साथ में अवकलन, किसका, पहले वाले का, ये चीज ध्यान रखना, फिर करोगे वापस y के रिस्पेक्ट में, किसका, लास्ट वाले का, यानी कि सेकंड वाले का, ये टर्म आप ध्यान में रखना, तो नोटेशन आपको ध्यान में रह जाएंगे, सिंबल्स आपको ध्यान में रह जाएंगे, क्लियर है सभी स्टूडेंट को। ये चीजें आपको, छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अब इसके कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लेते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन क्वेश्चंस को लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक आपको दिया हुआ है, फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन ऑफ, फाइंड द
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन ऑफ ए एंड बी। ये कह रहा है कि आंशिक अवकल समीकरण ज्ञात करो ए और बी को विलोपन करके। ठीक है, तो देखना इक्वेशन आपको दी हुई है जेड बराबर एक्स प्लस ए एंड वाई प्लस बी। ये इक्वेशन आपको दी हुई है। ये कह रहा है कि इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है इस ए और बी को हटाकर। ठीक है, मतलब इस ए और बी को हटाना आपको। तो देखना सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जितने भी वेरिएबल दिए हुए हैं आपको एक्स और वाई दिए हुए हैं, पहले एक्स के साथ में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे, फिर वाई के साथ में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे। ठीक है, उसके बाद उन समीकरण को काम में लेते हुए उसको एलिमिनेट कर दो। तो सबसे पहले जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में करो, डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो इसका मतलब वाई क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। ठीक है, इस एक्स का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, पहले यू इंटू वी से होगा। ठीक है, यू इंटू वी से, तो सबसे पहले ये ऐसा का ऐसा रहेगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, वन, इसका जीरो, फिर प्लस, अब ये ऐसा का ऐसा, इसका क्या हो जाएगा, जीरो, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? और डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या होता है, पी, तो पी की जगह क्या आ जाएगा, वाई प्लस बी आ जाएगा। अब इसका करो वाई के रिस्पेक्ट में, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई यू इंटू वी से होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो एक्स प्लस ए तो ऐसा का ऐसा, वाई का क्या हो जाएगा, वन, बी का क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये इंटू वन। ठीक है, ये आ गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां से इसकी जगह डेल जेड अपॉन डेल वाई की जगह क्या लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, तो क्यों का मान कितना आया, एक्स प्लस ए। ठीक है, इस समीकरण में मैं एक्स प्लस ए और वाई प्लस बी का मान रख सकता हूं। ठीक है, तो इसको समीकरण नंबर एक नाम दो, इसको समीकरण नंबर दो नाम दो, इसको ए नाम दे दो। तो यूजिंग इक्वेशन एक एंड दो इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए में यूज कर दो, तो जेड बराबर मिलेगा पी इंटू क्यू। ये क्या होगी, आपकी पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन होगी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसमें इसे ये पूरी की पूरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की तुलना में उसके कंपेरिजन में काफी ईजी रहती है। ठीक है, और उसमें भी कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है ऑब्टेन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेटिंग कॉन्स्टेंट ए एंड बी। ठीक है, इक्वेशन आपको दी हुई है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ये इक्वेशन आपको दी हुई है भाई साहब। ठीक है, ये क्या कह रहा है, आपको ए और बी को क्या करना है, इसमें एलिमिनेट करना है। ठीक है, ए और बी को एलिमिनेट करना है, सी को एलिमिनेट नहीं करना है, ये तो पढ़ा रहने देना आप। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका इन वेरिएबल एक्स और वाई के साथ में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। ध्यान रखना जो भी इक्वेशन दी हुई है उसमें से आपको कॉन्स्टेंट को हटाना है, उसको भगाना है, तो आपको एक काम करना है, जो भी वेरिएबल आपको दिए हुए हैं उसके साथ में अवकलन करना है। एक्स और वाई वेरिएबल आपको दिए हुए होंगे हर समीकरण में, बस यही रहेंगे, पहले उसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, फिर उसके बाद उसका वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, तो इसका करो सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा, टू x माइनस ए, फिर x का वन, a का जीरो, तो ये इतना ही रह जाएगा, फिर प्लस इसका कितना हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा क्योंकि पूरा का पूरा टर्म कॉन्स्टेंट रहेगा, फिर प्लस ये z क्या होता है, यहां डिपेंडेंट होता है, तो इसका भी अवकलन होगा, इसका क्या होगा, 2z, और फिर z का भी होगा x के साथ में बराबर c स्क्वायर। z की जगह में क्या लिख सकता हूं, p लिख सकता हूं। तो देखना x माइनस ए प्लस जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर, ये टू भी लगा दो, डेल जेड अपॉन डेल एक्स की जगह क्या लिखता हूँ, पी बराबर सी स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, तो देखना यहाँ से अब वापस इसका वाई के रिस्पेक्ट में करो, तो ये जीरो, इसका हो जाएगा टू वाई माइनस बी प्लस टू जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर, ये जीरो होगा दोस्तों, सी का क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये क्या हो गया, जीरो। यहां से टू कॉमन आके किस में चला जाएगा, जीरो में चला जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? सेम कहानी, यहां इस डेल जेड अपॉन डेल वाई की जगह क्या पुट कर सकता हूं, क्यू पुट कर सकता हूं, और दो जीरो में चला जाएगा।
तो वाई माइनस बी प्लस जेड क्यू बराबर जीरो, ये समीकरण नंबर एक आ गई, ये समीकरण नंबर दो आ गई। यहां से x माइनस ए को उधर भेज दो, सॉरी इस जेड पी को उधर भेज दो, ठीक है। तो x माइनस ए बराबर माइनस का जेड पी, यहां से उसको उधर भेज दो, तो y माइनस बी बराबर माइनस का जेड क्यू। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब देखो x माइनस ए और y माइनस बी का मान मैं यहां पुट कर देता हूं, तो मेरा a और b क्या हो जाएगा, यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखो रख दो दोनों वैल्यूज यहां, ठीक है। x माइनस ए का होल स्क्वायर तो माइनस जेड पी का होल स्क्वायर प्लस माइनस जेड क्यू का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। चाहो तो जेड स्क्वायर पूरी टर्म में कॉमन ले लो, ठीक है। चाहो तो जेड स्क्वायर क्या कर सकते हो, पूरी टर्म में से कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन लोगे तो बचेगा आपके पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस वन बराबर सी स्क्वायर। इसमें कहीं भी ए और बी नहीं आ रहा, मतलब यही क्या होगी, अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इस समीकरण की। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दो, y के रिस्पेक्ट में कर दो, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेटिंग द कांस्टेंट a और b। a और b को हटाना है वापस, z बराबर ax प्लस by प्लस ab, ठीक है। ए और बी को हटाना है, ठीक है। तो देखना सबसे पहले क्या करोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर ये जीरो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। फिर निकालो डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर ये जीरो सिर्फ ये बी आ जाएगा, ठीक है। ए और बी आ गए, क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो ये इसका मतलब क्या होता है, पी, तो पी बराबर ए, इसका मतलब क्या होता है, क्यू, तो क्यू बराबर बी। ए और बी के मान यहां पुट कर दो तो z बराबर कितना हो जाएगा, a का मान कितना है, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू, ये क्या होगा, अपना फाइनल आंसर होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। छोटे छोटे से क्वेश्चन है लेकिन ये चीज जरूर ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, वही चीज है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर वन दिया हुआ है, बराबर वन दिया हुआ है। ध्यान रखना इस समीकरण में से आपको ए बी और सी तीनों को एलिमिनेट करना है। इसने ये कहा है कि ए बी सी तीनों को एलिमिनेट करो, तो सॉल्यूशन देखना वही चीज, सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x अपॉन ए स्क्वायर, इसका जीरो, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, प्लस 2z अपॉन c स्क्वायर और डेल z अपॉन डेल x बराबर जीरो। दो कॉमन लेके जीरो में भेज दो, ये जीरो में चला जाएगा। फिर करो इसका, और यहां से इस z की जगह क्या लिख सकते हो, p लिख सकते हो, तो x अपॉन ए स्क्वायर प्लस जेड अपॉन सी स्क्वायर पी बराबर जीरो। क्लियर? अब करो इसका वाई के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो इसका पूरे का जीरो, इसका कितना हो जाएगा, टू वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस टू जेड अपॉन सी स्क्वायर और डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर जीरो। यहां से इसकी जगह क्या लिख सकते हो, क्यों लिख सकते हो, और दो को कॉमन लेके जीरो में भेज दो, तो बचेगा वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड अपॉन सी स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू जीरो। इसको समीकरण नंबर एक नाम दे दो, इसको समीकरण नंबर दो नाम दे दो। देखो इन समीकरण को कैसे भी काम में ले लो, अपना काम नहीं बन रहा, ठीक है। अपना काम नहीं बन रहा तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा इसका अवकलन करेंगे। अब
ठीक है, क्योंकि तीन कांस्टेंट है, सबसे पहला काम अपना होगा उसको दो कांस्टेंट में बदलो। ये समीकरण अपनी दो कांस्टेंट में बदल चुकी है, अब हम इजीली एक बार दोबारा अवकलन कर, देखो दो कांस्टेंट आपको रिमूव करने हैं तब तो एक बार अवकलन करना है, ठीक है, एक बार एक्स के एक बार वाई के। अगर तीन कांस्टेंट आपको भगाने हैं तो सबसे पहले आपको एक्स के रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में करने के बाद आपके पास दो दो कांस्टेंट रह जाएंगे, उसके बाद एक बार दोबारा उसका अवकलन करना है। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट का दोबारा एक्स के रिस्पेक्ट में करो, ठीक है, इसका दोबारा x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ध्यान रखना x का कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस जेड, इसका u इंटू वी से होगा, ठीक है, इसका u इंटू वी से होगा, तो 1 अपॉन सी स्क्वायर, तो ऐसा का ऐसा, ठीक है, p ऐसा का ऐसा, जेड का कितना हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल x, फिर प्लस आगे बढ़ो, अब जेड ऐसा का ऐसा, और इस पी का क्या हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल एक्स बराबर 0। क्लियर सभी स्टूडेंट को? और साथ में क्या आ जाएगा सी स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां तक समझ में आया होगा। इसी प्रकार आपको क्या करना है, इसका करो आप वाई के रिस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस इसका सेम वही वापस 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल वाई, और साथ में क्या है पी है, फिर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर, अब क्या होगा डेल पी अपॉन डेल एक्स ऐसा का ऐसा, नहीं जेड ऐसा का ऐसा, और इसका हो जाएगा डेल पी अपॉन, क्यों था ना यहां, सॉरी क्यों, अब जेड ऐसा का ऐसा और क्यू का हो जाएगा डेल क्यू अपॉन डेल वाई बराबर 0। ये नई समीकरण हमारे सामने आ गई। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां तक समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, पूरी समीकरण में सी स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, और उसको 0 में भेज देते हैं, ठीक है, सी स्क्वायर एलसीएम ले लो और पूरी समीकरण को ए स्क्वायर से गुणा कर दो, ठीक है, इस समीकरण को करो, देखो ए स्क्वायर से गुणा कर दो और सी स्क्वायर एलसीएम लेके 0 में भेज दो, तो नई समीकरण बचेगी आपके पास सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका मतलब भी क्या होगा पी स्क्वायर, पी हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मतलब पी, तो पी स्क्वायर प्लस यहां से देखो जेड डेल पी अपॉन डेल एक्स बराबर 0। इसी प्रकार इस पे आओ सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब क्यू, तो ये क्या बन जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस, और देखो जेड डेल क्यू अपॉन डेल वाई। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये यहां ए स्क्वायर यहां बी स्क्वायर। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? अब यहां से सी स्क्वायर की वैल्यू निकालो, ठीक है, इस समीकरण से सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ये भी माइनस का, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये चीज समझ में आई होगी। अब हमें क्या करना है, इस सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इस समीकरण में पुट करनी है, इस सी स्क्वायर की वैल्यू इस समीकरण में पुट करनी है। इस समीकरण में जैसे ही मैं सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगा, ये यहां से देखना, अब पुट करते हैं एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस जेड पी अपॉन ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर जेड ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर जेड डेल पी अपॉन डेल एक्स बराबर 0। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये ए स्क्वायर तीनों में कॉमन आके 0 में चला जाएगा, ठीक है, ये तीनों में 0 में चला जाएगा, तो यहां से देखना और इसको ले लो एलसीएम, ठीक है, ये नीचे वाली टर्म क्या आ जाएगी एलसीएम आ जाएगी, तो यहां से बचेगा एक्स पी स्क्वायर माइनस जेड एक्स डेल पी अपॉन डेल एक्स माइनस जेड पी बराबर 0, ये एलसीएम आके 0 में चला जाएगा, तो एक समीकरण तो ये मिल जाएगी। चेक कर लेते हैं एक बार, ये मिल रही है क्या समीकरण आपको, मिल रही है एक्स जेड, बिल्कुल यही है आंसर, एकदम करेक्ट है, ठीक है, आंसर एकदम सही है, बस पी की जगह वापस रख दो,
ठीक है, पी की जगह इसने वापस क्या रखा है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स रखा है, ठीक है, बस एक ही बात है। ठीक है, आंसर एकदम करेक्ट है, हमें एबीसी को एलिमिनेट करना था, एबीसी यहां से मेरा एलिमिनेट हो गया। सिमिलरली आपको क्या करना है, अब ये सी स्क्वायर का मान यहां पुट करना है, वो कहां गई इक्वेशन, ये वाली, इसमें पुट करना है। तो इसी प्रकार इस बार क्या होगा, बी स्क्वायर कॉमन आके जीरो में चला जाएगा और आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो ये एक क्वेश्चन अपना और कंप्लीट होता है, आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है जेड बराबर ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, इसका क्या करना है आपको, वही ए और बी को एलिमिनेट करना है। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ ए, ये जीरो, ये भी जीरो, ठीक है, फिर करो वाई के रिस्पेक्ट में, डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर ये जीरो, इसका हो जाएगा टू ए स्क्वायर वाई, ठीक है, टू ए स्क्वायर वाई ये जीरो, ये ए का मान यहां पुट कर दो तो डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर टू, ये मान यहां पुट करोगे तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर इंटू वाई, इसका मतलब क्या होता है क्यू, इसका मतलब क्या होता है पी टू पी स्क्वायर वाई, ये क्या होगा इसका आंसर होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? एक क्वेश्चन और लेते हैं, जेड बराबर ए एक्स प्लस वाई प्लस बी, ठीक है, इसका करो एक्स के रिस्पेक्ट में तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर, यहां से देखना इसका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। क्लियर, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल एकदम सही है, इसका वाई के रिस्पेक्ट में करो डेल जेड वाई बराबर, ठीक है, ये वापस यहां भी क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है, दोनों बराबर आ रखे हैं, मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर डेल जेड अपॉन डेल वाई, इसका मान क्या होता है पी, इसका मान क्या होता है क्यू, इसको इधर ले आओ तो पी माइनस क्यू बराबर जीरो, ये क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आप करके जरूर देखना। ठीक है, और अपना जो चैप्टर नंबर, जो अपना फर्स्ट ऑर्डर है, उसमें जो अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट है वो होती है इसी के साथ कंप्लीट। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है, अगले टॉपिक के ऊपर चर्चा हमारी होगी, जिसमें भी हमें क्या करना है, विलोपन ही करना है, लेकिन इस बार फलन के अंदर फलन दिया हुआ होगा। यहां तो क्या था अपने पास, जेड एक्स वाई का फलन था, लेकिन जो आगे क्वेश्चन होंगे उसमें हमें यूबिक जैसे जेड यू वी का फलन होगा, फिर ये यू और वी भी किसी न किसी के फलन होंगे। ठीक है, वहां तो क्या था, बस इतना ही मटेरियल था, लेकिन यहां पहले तो ये है, फिर ये भी किसी न किसी के फंक्शन होंगे, वहां पे हम इसको करेंगे। किस प्रकार से इसका अवकलन किया जाता है, किस प्रकार निकाला जाता है, इस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। तो आई होप क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। एक चीज और बता देता हूं, अगर किसी स्टूडेंट ने आई स्टडी ऑनलाइन यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें, वो काफी ज्यादा जरूरी है आपके एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट जानने के लिए। ठीक है, क्योंकि अपडेट वगैरह वहीं मिलते रहते हैं, हर चीजें आपको वहीं मिलेगी, तो उसको जरूर आप सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।